उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सदर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 15,000 का इनामी टॉप 10 अपराधी पकड़ा गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी मनीलाल गोड़ पहुंचे। उन्होंने बताया कि बदमाश लकी पाल के पैर में गोली लगी, उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। सोमवार की देर रात एसओजी टीम प्रभारी रामबाबू और फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि टॉप 10 अपराधी लकी पाल खानपुर के पास खेतों में छिपा है। सर, कभी इनामी अपराधी जो है मुठभेड़ हुई, क्या पूरा मसला किस तरीके से मुठभेड़ हुई और इस पर क्या किस तरीके का अपराधी था? आज 1/9/2020 को रात्रि में को इंस्पेक्टर कोतवाली व एसओजी टीम अपनी टीम के साथ में अपराधियों की धरपकड़ एवं अपराध की रोकथाम हेतु खेत में गश्त पर थे। जैसे ही ये लोग मड़िया खालपुर की तरफ जा रहे थे तो सामने से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। इन्होंने टोका तो टोकने पर बदमाश द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया। इन्होंने अपनी आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल होकर गिर गया तथा एक भाग गया, जिसको कॉमन करके तलाश किया गया, नहीं मिला। जब नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम लकी पाल बताया, जो अपराधी लुटेरा किस्म का व्यक्ति है, जिस पर कई मुकदमे जनपद फर्रुखाबाद से पंजीकृत हैं। कितने हज़ार का इनामी था? 15,000 रुपए का रिवार्ड था। ये टॉप 10 अपराधी था। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन